अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नुमान नियाज की शुएब अख्तर से बदतमीज़ी के बाद शुएब अख्तर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आई थी कि नुमान नियाज को ऑफ एयर कर दिया है, मगर वहीं पीटीवी के फैसले ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पीटीवी स्पोर्ट्स के लिए प्रोग्राम गेम ऑन है कि मेज़बान डॉक्टर नुमान नियाज ने 26 अक्टूबर के लाइव शो में क्रिकेट लेजेंड शुएब अख्तर को प्रोग्राम से उठकर चले जाने को कहा था। सोशल मीडिया और हुकूमत वज़रा की जानब से भी शदीद रद्द अमल आने के बाद पीटीवी की मैनेजमेंट डायरेक्टर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की गई, जिसका आज इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी ने इजलास में वाकई की इब्तदाई रिपोर्ट और ऑन एयर और ऑफ एयर शो की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया। इजलास के बाद पीटीवी इंतजामिया ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि पीटीवी स्पोर्ट्स के शो में आने वाले वाकये की इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान नियाज को ऑफ एयर करने का फैसला किया गया है। पीटीवी की इंतजामिया का मजीद कहना था कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, वाकये से मुतल्लिक हकायक वाज़ह नहीं हो जाते, इस दौरान दोनों अफराद ही टीवी के किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होंगे। पीटीवी इंतजामिया के फैसले के बाद वज़ीरे आज़म के मामा खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट करते हुए कहा, क्या हो गया है आपको? शुएब अख्तर तो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका है, और कितनी बार ऑफ एयर करना है आपने? कोई अक्ल के नाखन लें।